हेलो गाइस, सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हमने ईव एनजी के अंदर डब्ल्यूएलसी की इमेज ऐड करवानी है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ईव एनजी को ओपन किया हुआ है। अब हमें यहाँ पे चाहिए डब्ल्यूएलसी की इमेज। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, सिस्को की वेबसाइट से डब्ल्यूएलसी की इमेज को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक नया ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने टाइप करना है software.cisco.com। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, आपके पास में एक इस तरह से सिस्को की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड एंड अपग्रेड के अंदर एक्सेस डाउनलोड्स पे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके पास में एक नया पेज ओपन हो जाएगा प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए। उसका नेम लिख दो यहाँ पे, जो भी आपने इमेज डाउनलोड करनी है उसका नेम लिखोगे और आपके पास में डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्चुअल वायरलेस कंट्रोलर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारे पास में एक और ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इस पर आपने क्लिक करना है वायरलेस लैन कंट्रोलर सॉफ्टवेयर। इमेज डाउनलोड करनी है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स हैं जो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में लेटेस्ट जो रिलीज़ में मैं ये वाला डाउनलोड कर रहा हूँ, 8.3.150.0 वाला। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास में इसके अंदर भी बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी और हमने यहाँ पर डाउनलोड करनी है ये वाली फाइल MFG_CTVM_8_3_150_0.ISO फाइल। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ये आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। तो इसके लिए आपने मैंने रखा हुआ है इसको यहाँ पे जी ड्राइव के अंदर। ये हमारी जी ड्राइव है मशीन में और इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर आप लोगों को भी ये फाइल डाउनलोड करनी है तो मैं इस इमेज का लिंक डाल दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। लिंक पे आप क्लिक करोगे, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे वापस से ईवेंजी में। ईवेंजी में हम लोग वापस आ गए हैं। तो वो जो WLC की इमेज पड़ी है ना, वो हमारी पड़ी है इस लोकल मशीन में जो कि हमने इस ईवेंजी में ऐड करवानी है। तो इस लोकल मशीन से वो इमेज को इस ईवेंजी में ऐड करवाने के लिए ना, हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है WinSCP। तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ WinSCP, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू सेशन क्रिएट करूँगा। न्यू सेशन पे क्लिक करोगे, एडिट, यहाँ पे आईपी एड्रेस आ जाएगा किसका, ईवेंजी का 192.168.1.15। देख सकते हो ये आईपी एड्रेस है हमारा ईवेंजी का। यूज़र नेम आ जाएगा ईवेंजी का, जो कि रूट है, और पासवर्ड मैंने 123 यूज़ किया हुआ है ईवेंजी का। सेव पे क्लिक करना है एंड लॉगिन। अब आप ईवेंजी से कनेक्ट हो चुके हो। ये जो राइट साइड में जो भी आपको डायरेक्टरीज दिखाई दे रही है ना, वो सारी की सारी हमारी ईवेंजी की डायरेक्टरीज है, और लेफ्ट साइड में जो भी डायरेक्टरीज है वो हमारी लोकल मशीन की डायरेक्टरीज है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस लोकल मशीन की जी ड्राइव में हम लोग, आई थिंक जी ड्राइव में ही है, ओके। और यहाँ पे वो हमारी फाइल पड़ी होगी, ये देख सकते हो आप, ये हमारी फाइल पड़ी है जी ड्राइव में, जिसको हमने इस ईवेंजी में मूव करवाना है। अब इस ईवेंजी में कहाँ पर मूव करवाना है, यह मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पर रूट डायरेक्टरी में अभी फिलहाल, ठीक है, पाथ बता देता हूँ कहाँ पर हमने इसको मूव करवाना है, कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में हूँ। रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा OPT, OPT के अंदर जाना है। OPT के अंदर आपको मिलेगा यूनिट लैब, यूनिट लैब में जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एडोन्स, एडोन्स में जाना है, यहाँ पे क्यूमू, और इस डायरेक्टरी में आपको यहाँ पे कॉपी करना है। एक्चुअली इस डायरेक्टरी में कॉपी नहीं करना है, अब यहाँ पे आप ना एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करोगे जिसमें हमने इसको रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू पे एंड डायरेक्टरी, नेम दे दो, क्या नेम रहेगा। मैं नेम यहाँ पे यूज़ करूँगा WLC-8.3.150.0। ये हमारी डायरेक्टरी का नाम रहेगा जिसमें हमने उस फाइल को कॉपी करना है। ठीक है, WLC की फाइल को कॉपी करना है, ओके पे क्लिक करना है। ये हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। ये डायरेक्टरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे उसको कॉपी करना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लेना है यहाँ पे, तो ये फाइल आपके यहाँ पे मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये फाइल यहाँ पे आपकी कॉपी हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज़। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में गाइज, हमने हमारे ईवेंजी के कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। ईवेंजी के कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुका हूँ। अब हमने उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पर वो हमने फाइल को कॉपी किया था। तो इसके लिए कमांड चलेगी cd space root/, ये हमारी रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी में OPT फोल्डर था, OPT के अंदर यूनिट लैब था, यूनिट लैब के अंदर आपका एडोन्स था, एडोन्स के अंदर क्यूमू था,
इसके अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था VWLC-8.3.150.0, ये वाली डायरेक्टरी थी हमारी, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं ls कमांड चलाऊंगा तो आप देख सकते हो ये हमारी यहाँ पे फाइल ऑलरेडी कॉपी हो रखी है। अब इस फाइल को ना हमने रीनेम करना है, फाइल का नेम हमने चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, कमांड चलेगी mv, फाइल का नेम जो है mfg_ctvm_8_3_150_0.iso स्पेस, नेम देना इसको cd-rom.iso, एंटर करना है और ये इसका रीनेम हो चुका है। ls अगर मैं कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है, अगर ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर था, ये फाइल हमने मूव करवाई थी, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ना इस फाइल का नेम चेंज हो जाएगा cd-rom.iso, ठीक है। तो फाइल का नेम हमारा जो है वो चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो बताता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे ना एक डिस्क इमेज क्रिएट करेंगे हमारे WLC को इंस्टॉल करने के लिए, वर्चुअल WLC को इंस्टॉल करने के लिए, ओके। तो इसके लिए क्या कमांड चलेगी वो बता देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे कमांड चलेगी, रूट डायरेक्टरी है हमारी /qmu/imageCreate-hyphen f/qcow2/megasasa.qcow2/8GB की हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे इमेज, एंटर प्रेस करना है। और अब यहाँ पे आपने कमांड चलने ls, तो यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिखाई दे रही है ना, एक .iso और एक हमारी .qcow2, जो कि हमारी ये क्या है, ये एक्चुअली एक डिस्क हमने क्रिएट कर ली है जहाँ पे हमने इमेज को और WLC को इंस्टॉल करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने evng में जाना है और एक नोड ऐड करवाना है हमारा सिस्को वर्चुअल WLC का, सिस्को वर्चुअल WLC, सेव पे क्लिक करना, आपने राइट क्लिक करना है, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे इस पर, ओपन करना है। तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा, ये फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट होने में, वेट कर लेते हैं इसके लिए। तो ये देखो ये सिस्को लोगो आने में ना टाइम ले लेता है, ये 5 से 10 मिनट ले लेता है ये, ठीक है। और ना अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली मैं अब इस कंट्रोलर को ना शट डाउन कर देता हूँ, कुछ इसके बाद में हमने कुछ और भी यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है तो वो बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना है लैब डिटेल में जाना है, तो लैब डिटेल में ना हमें एक आईडी मिलेगी, ये तो ये हमारी आईडी आ गई है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है गाइस, अब हमने वापस से हमारे इसमें जाना है ईवेंजी में, अब हमने यहाँ पे कमांड रन करनी है cd /opt/unitlab/tmp/0/, अब वो जो आईडी है ना वो हमने एज इट इज़ लिख देनी है, जो कि है 6 5 3 f 1 a 7 d -a 8 b -a 7 b 8 b 6 b 4 2 e c, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। और इसके बाद में ना स्लैश 1 स्लैश लगेगा,
/1 लगाना है हमने, तो हमारी आईडी एकदम करेक्ट है, इसको यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर देना है। देन इसके बाद में यहाँ पे मैं फिर से एक ls कमांड चला के देखता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कमांड चलेगी qmu -img commit space megasasa.qcow2 और एंटर प्रेस कर देना है। इमेज जो है वो कमिट हो चुकी है। अब हम लोग परमिशन फिक्स करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए कमांड चलेगी हमारी रूट डायरेक्टरी opt /unl_wrapper /unl_a/fix_permissions एंटर प्रेस करना है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है गाइस, अब हमने वापस से हमारी उस डायरेक्टरी में जाना है जिस डायरेक्टरी में हमने वो हमारी इमेज हमने कॉपी करी थी। तो cd space /opt/unitlab/addons/qmu/vwlc-8.3.150.0/ एंटर करोगे तो अब आप इस डायरेक्टरी में आ चुके हो, ठीक है, जहाँ पे हमने वो इमेज को कॉपी किया था। तो वहाँ पे हमारी एक सीडी रोम फाइल पड़ी थी, ls कमांड चलाता हूँ, तो एक सीडी रोम .iso फाइल है और एक .qcow फाइल है हमारी, ठीक है। तो सीडी रोम वाली फाइल को हमने यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ पे कमांड चलेगी rm -f cd rom.iso, एंटर करना है और ls कमांड चला के देख लेते हैं वो फाइल हमारी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। और मैं यहाँ पे एक और कमांड चला के देखता हूँ, ls -lha, एंटर प्रेस करोगे एक फाइल होनी चाहिए हमारी, आप फाइल देख सकते हो, नेम .qcow2। ओके, सो बस यही हमारी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी हमने। अब हम लोग कोई भी हमारे WLC को हम लोग यहाँ पे कोई भी वर्चुअल लैब में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक ये हमने ऐड किया था, अगर इसको रिमूव भी करना है रिमूव कर दो, अदरवाइज मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये हमारा WLC जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओपन पे क्लिक करोगे ये थोड़ा टाइम लेगा, बट हमारा WLC जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो गाइज़, ये हमारा जो WLC है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग WLC को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कैसे लैब के अंदर इस WLC को कनेक्ट करना है, कैसे हम लोग इसको GUI के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हमने लैब को डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कैसे हमने EVE-NG के अंदर वायरलेस जो WLC है उसकी इमेज ऐड करवानी है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही।